हैं आप, आइस बन चुकी है पूरी, आइस है आइसिकल्स। हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल देखा कि मैं आईफोन से रिलेटेड ये व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो आपको थोड़ी सी इसके बारे में मैं नॉलेज देता हूँ। जैसे यूएस में लोग बोलते हैं ना सस्ता है आईफोन, हाँ कंपैरेटिवली सस्ता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में टैक्स नहीं है, कुछ स्टेट्स में टैक्स ज़्यादा है। तो जिन स्टेट्स में टैक्स नहीं है, अगर आप उन स्टेट से जाके आईफोन ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं। तो जैसे कि जैसे आपने कोई फ़ोन लिया उसमें $50-60 टैक्स लगा, तो कुछ स्टेट्स में टैक्स नहीं लगता है। अभी मैं जो हूँ, मैं मैसाचुसेट्स में रहता हूँ, यहाँ पे टैक्स लगता है। और उसी चीज़ की वजह से मैं आज जो व्लॉग बनाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ न्यू हैम्पशायर, वहाँ पर टैक्स नहीं होता है, तो वो भी आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। और चलते हैं, कुछ आपको नज़ारे भी दिखाते हैं और साथ में अपना काम भी करते हैं, बने रहेगा। थैंक यू। ओके, तो हम लोग सीधा मॉल में आ चुके हैं और चलते हैं एप्पल स्टोर की तरफ। तो मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि आईफोन का प्राइस क्या है अमेरिका में। तो अगर आप गूगल करेंगे प्राइस ऑफ एन आईफोन इन अमेरिका, आपको जो प्राइस आएगा वही एग्जैक्टली सेम प्राइस यहाँ पे होता है, बट कुछ स्टेट्स में टैक्सेस एक्स्ट्रा होते हैं। तो आप स्टेट वाइज चेक कर सकते हैं कौन सी स्टेट में कितना परसेंट टैक्स है, और कुछ स्टेट्स हैं जो कि टैक्स फ्री हैं। आज जिस स्टेट में हम आए हैं वहाँ पे टैक्स फ्री है, और अब चलते हैं, सामने ही एप्पल स्टोर आ गया है। अमेरिका में जब भी आप आईफोन लेने जाते हैं तो आपको आईफोन अपना प्री बुक करना होता है। अगर आपने पहले से बुक नहीं किया है तो 90% चांसेस हैं कि आपको आईफोन नहीं मिलेगा। तो बेस्ट वे यही होता है कि आप अपनी प्री बुकिंग आईडी दीजिए, अपना हाथ में फ़ोन लीजिए, पेमेंट कीजिए और निकल लीजिए। तो ये सारी एक्सेसरीज एप्पल की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आपको कोई भी एप्पल के प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ लेनी है तो आप एप्पल की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं।
मैंने अभी पता किया है कि अगर आप चाहे सीधा आईफोन लेने वाले हैं तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है। और अगर आपको कोई आईफोन ऐसा मतलब लेना है तो आपको पहले से प्री बुक करना पड़ेगा, तभी मिलता है। अदर क्योंकि हमने प्री बुक कर दिया था इस वजह से हमें मिल पा रहा है, अदरवाइज सारा कुछ अगर आप जाके ऐसी रैंडमली जाके पाए खरीदना चाहेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर कोई आप लेना चाह रहे हैं फ़ोन तो एकदम डायरेक्टली आप नहीं करें, पहले आप उसको ऑर्डर प्री ऑर्डर कर दें उसके बाद फिर आप लें। आईफोन ख़रीदने के लिए पेमेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक काउंटर नहीं होता है, आप जहाँ पे भी खड़े हैं या अपनी वायरलेस क्रेडिट कार्ड मशीन लाते हैं, आपको फ़ोन हैंड ओवर करते हैं, आपका पेमेंट लेके एंड देन यू आर ऑल सेट। तो अब हम आईफोन लेके निकल चुके हैं। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझको कमेंट में बताइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं। दीज आर ऑल द फोन्स वी बॉट, दिस वन इज 13 प्रो मैक्स, दिस वन इज आईफोन 12, दीज आर ऑल 3 11। सो आई एम जस्ट गोना डू अ क्विक अनबॉक्सिंग द 11th. They are getting purchased by the resellers, so they are going so fast. If you would want to buy these, you cannot get them. It's very difficult to find these 12, even 12 you can find, so you have to be sure before visiting the Apple store that whether they are available or not. So let's just unbox this one. So since they've stopped giving the, you know, the chargers, this is the cable, you get this, that's all you get, and here's your phone.